हमारे साथ विधायक राजेश मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आप शायद इस वक्त बात नहीं करना चाहते सबसे, लेकिन क्या हुआ और किन परिस्थितियों में आपकी बेटी को यह कदम उठाना पड़ा, साक्षी को ऐसा कदम उठाना पड़ा? राजेश जी, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता उस बारे में, मुझे कोई बात नहीं करनी जी। मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, मैंने पहले ही अपना लिखित बयान दे दिया है और मैंने कल अपना बयान दे दिया, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। लड़के की पहली एक एंगेजमेंट हो चुकी है भोपाल में और पूनम नाम की लड़की से, उसके बाद अपना हेमंत नायक है, 7 लाख रुपए उसने खत्म किए, होटल भी करा था उन्होंने, अवध पैलेस होटल वहाँ, उसकी 2016-17 में उनका 7 लाख रुपए खत्म हो गए। विधायक जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि इस लड़के की पहली भी शादी हो चुकी है, इसका किसी भोपाल की लड़की के बारे में आप नाम ले रहे हैं? इंगेजमेंट हुआ, आप पता कर लीजिए, मैंने बता दिया, बताया कर लीजिए। इंगेजमेंट हुआ आप कह रहे हैं? इंगेजमेंट इसका हुआ किसी? चलिए, इसके बारे में मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन आपसे मेरा सवाल यह है कि वीडियो सामने आया है, लेकिन आपने बीते दिन कहा आपको शादी से आपत्ति नहीं है, आप क्यों नहीं रीच आउट करना चाहते? क्या अभी भी आपको शादी से परेशानी है? क्या है आपके मन में? नहीं, मैं अपने काम में जो मैंने कह दिया, मैं बार बार किसी चीज के लिए बात नहीं हूँ, जो मैंने कह दिया लेटर रिटर्न लिख के दे दिया और मैंने कल आपके पत्रकार को भी बता दिया, आपके चैनल वालों को, अब बाकी मैं नहीं कहूंगा, उसी में से आप छाकी जो छाकी, बाकी कुछ नहीं कहना। नहीं, वो तो मैं आपकी बात समझ रही हूँ राजेश जी, लेकिन देखिए, आप आज तक पर हैं, आपकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है, आप जो बोलेंगे उसको पूरा देश आज सुन रहा है, इसीलिए हम आपका पक्ष भी जानना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफा पूरी कहानी आनी जानी नहीं चाहिए। आपका पक्ष क्या है यही जानने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है, और आप अपनी बात कहिए, एक बार अपनी बेटी से बात करने की कोशिश तो कीजिए। मैंने कल कह दिया, मैं तो यहाँ जनता से घिरा हुआ हूँ, जनता काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कोई बात नहीं करना चाहता, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मैंने कल बता दिया, बाकी मुझे कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, बालिग है वो, अपने जहाँ चाहे बाहर है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप मुझसे बार बार मत पूछिए, मैंने लिखित में भी दे दिया, बोल भी दिया। दो आरोप लग रहे हैं विधायक जी, और उसमें पहला आरोप यही है कि आपकी बेटी ने चूंकि एक दलित से शादी कर लिया इसलिए आपको गुस्सा आया, इसमें आपका पक्ष क्या है? मेरे लड़के के साथ मेरे घर पे ये लड़का खाना खा रहा था, उस दिन दलित नहीं था, लड़के का पिताजी मेरे रिश्तेदार है, पितु आचार्य है, वो उनके घर खाना खाते रहे, उस दिन दलित नहीं थे, आज वो दलित है, इसलिए दलित लेने का सहारा है, जैसे आप वो बटोर रहे हैं अपने सहानुभूति और बता रहा है, सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, यही कहना चाहता बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि आपके घर में ये लड़का आता जाता था, खाना पीना सब खाता था, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि शादी कर ली इसलिए इनकी जान तक को खतरा है, ऐसा आरोप अगर कोई बेटी लगा रही है तो क्या वजह दिखती है आपको, क्यों उसको शक हो रहा है अपने ही पिता पर? अब मुझे नहीं मालूम, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कहीं गया नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया, ना मेरे परिवार ने किसी ने किया, अब ये किसी के इशारे पे अगर कर रही है बेटी तो मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये इतना ड्रामा जो कर दिया बेटी ने, ये जो विरोधी लोग हमारे उनके कहने से उनके पीछे लगे हुए हैं और ये उस लड़के के कहने से लड़की ये कर रही है। मैंने पहले कह दिया, जहाँ रहे खुश रहे, शादी कर ली तो उसको हमसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ना हमारे परिवार से होगी, ना हमसे होगी, किसी से नहीं होगी, बार बार वो बात मत कहलवाइए जो मैं कह चुका हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना। और राजेश मिश्रा जी, आपकी पत्नी का भी जिक्र किया आपने, परिवार का भी जिक्र किया, उनके बारे में क्या बताएंगे इस वक्त, वो क्या कह रही हैं? वो केवल आप हत्या कर रहे हो कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि आपने चैनल वालों ने इतने ये सब बरोबर कर दिया है कि हम लोगों को कहीं कहीं दिखाने के लायक नहीं रखा है, क्योंकि हमारी पत्नी मर ही सकती है, वो एक आध हफ्ता भी नहीं, एक आध महीने मर जाएंगी, वो बीमार नहीं है, वो चल फिर भी नहीं सकती, कहीं दवाई लेने भी नहीं जा रहे हैं, तो क्योंकि आप ये जब भी टीवी खोलो कोई नाटक देखने के लिए तो केवल आपका चैनल ये दिखा रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं। राजेश जी, आप बातों को गलत मत बताइए, हम सिर्फ वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आपकी बेटी आरोप लगा रही है, और आज तक हमेशा निष्पक्ष रहता है, इसीलिए आपका पक्ष जानने के लिए हमने आपको फोन लाइन पर लिया है, ताकि आप भी अपना पक्ष रख सके।
किसी ने आपको ना आतंकवादी कहा है, लेकिन जो डर और खतरा ये जता रहे हैं इसकी वजह से आपका पक्ष जानने के लिए आपको फोन लाइन पर लिया है। आप इससे क्यों कतरा रहे हैं? आप अपनी बात रखिए, अगर आप सही है तो जनता तय करेगी। कल हमने रख दिया अपनी बात, लेकिन ये बताइए ना राजेश जी कि आपने अपनी बेटी को खोजने की कोई कोशिश की? आखिर क्यों डर है, क्यों आप रीच आउट नहीं करना चाहते हैं? अगर वाकई आपको कोई परेशानी नहीं है शादी से, तो फिर स्पष्ट तरीके से बोलने में, अब तो उसका फोन भी ऑन है, आप डायरेक्टली फोन कीजिए, अभी वो लाइव आज तक पर फोन उठा लेगी, आप बात कर सकते हैं उनसे। नहीं, मुझे मैंने कल भी बता दिया, मुझसे उसे कोई खतरा नहीं, वो बालिग है, अपना निर्णय खुद ले सकती है, समझदार है, जहाँ चाहे शादी करे, जहाँ चाहे रहे, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मेरा कल भी मैंने बता दिया आपको, और आज भी बता रहा हूँ, जितनी बार पूछे हजार बार, मुझसे उसे कोई खतरा नहीं है। उसे खतरा हो सकता है जो पीछे से उसका वीडियो चलवा रहे हो, वो मुझसे कोई बात करना चाहते हो, मेरी राजनीति खत्म करना चाहते हो, मुझे डैमेज करना चाहते हो, मेरे परिवार को खत्म करना चाहते हो, उनसे तो उसे खतरा हो सकता है, मुझसे कोई खतरा। मिश्रा जी, आपको इसमें भी पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है? नहीं, पॉलिटिक्स दिखाई दे नहीं रही, पॉलिटिक्स है। कौन करा रहा है? है कोई लोग है, है। लेकिन आपकी बेटी तो यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ बैठी है, वो तो अपनी मर्जी से तमाम बातें कह रही है, और आप ही बता रहे हैं वो बालिग है, तो फिर ऐसे में तो वो अपनी बात रख ही सकती है। हाँ, वो बालिग है, वो अपनी बात रखते हैं, हमें बेटी से कुछ नहीं कहना, वो जहाँ खुश है, हम चाहते हैं वो हमेशा खुश रहे, हमारी शुभकामनाएं है इसको। शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप क्या बोलिएगा अब इससे ज्यादा, वो क्या बोल सकते हैं? मैं ना उसे कहीं ढूंढने गया, ना मैंने मेरा कोई आदमी गया, ना मैंने उसे फोन किया, और वो जहाँ है वहाँ खुश रहे। पापा, इतनी बड़ी बात हो गई, मैं 3 जुलाई को घर से निकल गई और आप मुझे ढूंढने तक नहीं आए, तो जो हमने गेस्ट हाउस में जिन लोगों को देखा, राजीव के लोग जो थे, तो ऐसा तो नहीं था कि वो राजीव के कहने पर आ गए, आपने उनसे डिस्कस किया होगा तभी तो वो हमारे तक पहुँच गए ना, और हमें भागना क्यों पड़ा? और राजीव वहीं था, हम क्या कहते हैं उसकी अगर लोकेशन निकलवाएंगे तो वहीं की लोकेशन निकलेगी, इलाहाबाद की। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि राजीव अपने घर से, राजीव के घर में कैमरे लगे हैं, ऑफिस में कैमरे लगे हैं, राजीव कहीं नहीं गए, चाहे तो आज तक उनको कैमरों को देख सकता है। और लोग इतनी गलत लोग, विक्की ने जो पोस्ट डाला है फेसबुक पे, लोग इतना गलत कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अगर ये सोच रहे हो मैं आपकी बेटी नहीं हूँ अब और मैं आपके लिए मर गई, तो एक बार इंसानियत के नाते, मतलब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लेके राजनीति में चलते हो, तो एक बार इंसानियत के नाते, जो लोग मुझे गालियाँ बक रहे हैं, जो लोग मुझे प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हैं, जो लोग हम आपके साथ हैं विधायक जी, हम आपके साथ हैं, एक फैमिली मैटर को पॉलिटिकल वे में लेके जा रहे हैं, उनको विक्की जवाब दे सकता है कि लड़की, ऐसी लड़की कभी खुश नहीं रह सकती, ऐसी लड़की कभी किसी घर में पैदा ना हो, ये ना हो वो ना हो, सबको आप जवाब दे सकते हो। राजेश जी, मैं अंजना जी आपसे बात कर सकता हूँ, आप मुझे बच्चे से बात मत कराइए। ठीक है, लेकिन बदनामी से बचाने की गुहार लगा रही है अपनी बेटी, ऐसा क्या रिश्ता खराब हो जाता है? बदनामी हमने नहीं की है, ना हमने वीडियो डाला है, तो समाज के लोगों को हम नहीं रोक सकते किसी को, कौन कहाँ से क्या डाल रहा है पोस्ट, हमें तो फेसबुक चलाना भी नहीं आता। जब इन लोगों के बारे में नहीं, लेकिन तो ये कुछ काम जानते हैं, लेकिन आप आज टीवी पर हैं, आज तक जैसे चैनल पर हैं, आप आज तक पर तो अपनी बात कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि जो भी ये कर रहा है वो गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी सी उम्र है। पहले ही कह चुके हैं जी, पहले ही कह चुके हैं, अब हम बार बार नहीं कह पाएंगे। मुझे बस ये बताइए कि ठीक है मुझे बस ये बताइए कि ये लोग घर लौटे तो सुरक्षित आप परिवार में इनको रखेंगे, और मतलब जिस तरह से भी जो फैमिली एक होता है उस तरह से बर्ताव होगा या नहीं होगा, और इनकी जान को कोई खतरा नहीं हो, कम से कम इतना तो आपको बोलना चाहिए। हमारी तरफ से उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी तरफ से उनकी जान कोई खतरा नहीं, हमारी तरफ से वो सुरक्षित है, आजाद है, वो जहाँ रहना चाहे वहाँ रहे, हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है। परिवार में स्वागत करेंगे? नहीं, परिवार में तो हम खुद ही नहीं रह पाते, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, परिवार वो बेटी के साथ ही हो जाती है, अपने परिवार में जाएंगे, मेरे परिवार से क्या लेना देना बेटी का। पर आपकी नाराजगी तो साफ दिख रही है, क्योंकि देखिए आप चैनल पर भी आकर उसकी बातों का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, अब तभी तो इतना ज्यादा गुस्सा है ना। नहीं है कोई,
तभी तो इतना गुस्सा नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैंने कह दिया बेटी जहाँ है वो खुश रहे और उससे मेरे से कोई दो नहीं खतरा नहीं, ना मेरे परिवार से, ना मेरे कोई मिलने वाले, ना मेरे कोई यार दोस्त, किसी से नहीं, कुछ भी नहीं। और ये रूमर्स उड़ रही है पापा की, मैं घर से ज्वेलरी लेके निकली हूँ 25 लाख रुपीस लेके निकली हूँ, तो एक भी पैसा नहीं है, ज्वेलरी मेरे पास वही है जो मैंने पहन रखी है, 2 रिंग और 1 चैन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो ये बातें कहाँ से आ रही हैं कि मैं घर से कैश लेके निकली थी और घर से ज्वेलरी लेके निकली थी? ये आपके लोग ही तो हैं ना जो ऐसी बातें कर रहे हैं। राजेश जी चलिए ठीक है, मुझे पता है आप मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। मैंने आपको बता दिया मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं, वो जहाँ चाहे बाहर रहे खुश रहे, और मेरा कोई आदमी उनको ना कोई ढूंढने गया, ना कोई सेट करने गया, कहीं नहीं गया, किसी जगह में कोई नहीं। और जिस राजीव पे बेटी आरोप लगा रही है, मुझे नहीं मालूम क्यों आरोप लगा रही है। राजीव अपने उनके यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, राजीव के यहाँ से CCTV कैमरे अपने चैनल वालों को भेज के मंगा लीजिए और देख लीजिए ये कहाँ तक है। चलिए ठीक है राजेश जी, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं और हमारी नजरें भी इन दोनों पर रहेंगी लगातार, क्योंकि ये जिस तरह का खतरा जता रहे हैं इन सब के बीच, अब इस वक्त तो मैं शो पर आपका धन्यवाद भी कह सकती हूँ, लेकिन ये जरूर है कि ऐसा डर और खौफ किसी बेटी के मन में होना नहीं चाहिए कि उसका अपना पिता ही उसकी की हुई शादी, क्योंकि आप ही कह रहे हैं ना राजेश जी, शादी कर ली है, बालिग है, वो अपने फैसले ले सकती है, फिर ये मलाल, ये गुस्सा मन में क्यों रखना है, क्यों डर और खौफ फैलाना है, क्यों इतनी नफरत फैलानी है कि उसी की वजह से आपका पूरा परिवार उलझ के इसमें रह गया है? आप बताइए, बदनामी बेटी की हो रही है तो क्या आपकी नहीं हो रही है? बदनामी आपकी हो रही है तो क्या पूरे परिवार की नहीं हो रही है? नहीं, हमने कोई फोन किया, हमने कोई धमकी दी, हमने कुछ कहा, कुछ भी कहा हो, कभी कुछ भी नहीं कहा, कहा किसके शादी करी, करी जहाँ करी, भाले गए, खुश रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं, ना हमारे परिवार को आपत्ति है, किसी को नहीं आपत्ति है, समझिए। और जहाँ है खुश है, बढ़िया, हमने पहले कल भी कह दिया, आज भी कह रहे हैं, 1000 बार पूछोगे तब भी कहे, हमसे कोई खतरा नहीं, खतरा नहीं है, लेकिन आप परिवार में स्वागत भी तो नहीं कर रहे, यही तो बात है ना। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ अब बात जब बेटी की शादी की आती है तो आपके मन में इतना गुस्सा है। आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप देश में स्थापित करें कि कोई जाति का भेदभाव आप नहीं मानते हैं, आप बेटी और जिस व्यक्ति से उसने शादी की है उनका घर में स्वागत करके आप एक मिसाल बना सकते थे राजेश मिश्रा जी। नहीं मैं, अरे मिसाल तो तब बनाते, कोई हमसे कुछ कहता, कोई बात करता, कभी कोई हमसे चर्चा करता नहीं। पापा आपने इतना टाइम ही नहीं दिया मुझे कभी कि मैं इस चीज़ के बारे में आपसे बात कर पाती, जब ये चीज़ घर में खुली कि मैं जितेश से बात करती हूँ, और तो आपने मेरे साथ जयपुर में मम्मी को भेज दिया सिर्फ इसलिए कि नज़र रखो शीनू पर, और विक्की को जब ये चीज़ पता चली कि मैं इनसे बात करती हूँ तो विक्की ने मुझे मारा और गलत शब्द बोले, तो मैं क्या उम्मीद करूँगी आप लोगों से कि मैं आपसे इस बारे में बात करती कि मुझे शादी करनी है जितेश से? राजेश जी देखिए, आज मौका है, अगर आपने भी बचपन से पाला होगा, बहुत कुछ किया होगा अपनी बेटी के लिए, परवरिश की होगी उसकी, सभी की भावनाएं अपनी बेटियों से जुड़ी होती हैं, आपके लिए भी एक मौका है, आप बात कर सकते हैं, जो वो बोल रही हैं, जो शिकायत है उस पर जवाब दे सकते हैं। वो कह रही हैं कि मुझे इतना मौका ही नहीं मिला कि मैं मन की बात आपको बताती, और मम्मी ने मुझे ये बताया कि आपने मम्मी को ये बोला कि शीनू को संभाल लो वरना अभी के संग भाग जाएगी वो, तो इस बारे में एक बार आप मुझसे तो डिस्कस करते कि ऐसा सुनने में आया है बेटा, क्या ये सच है? आपने मुझसे तो बात ही नहीं की इस बारे में। चलिए राजेश जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे ये बताइए कि आपने भी परवरिश की है, बचपन से रखा है साथ, अपनी बेटी को पाला है, हर किसी के ख्वाब होते हैं अपने बच्चों को लेकर, लेकिन आज जब परिस्थितियां ऐसी बनी है और वो अपने दिल की शिकायत कर रही है, आपका दिल नहीं कलप रहा एक पिता के रूप में? राजेश, मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरी तरफ से स्वतंत्र है, बालिग है, मुझे कुछ नहीं कहना है, आप मैडम बार बार मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? चलिए ठीक है राजेश, एक ही बात क्यों कह रही हैं आप मुझसे बार बार, एक ही बात क्यों कह रही हैं आप बताइए? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही स्वाभाविक, कोई आपत्ति नहीं, यही स्वाभाविक है